नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मुझे पता है कि आप करोड़पति बनने वाले हो। बस एक मंत्र को अपने मन में पढ़ लेना। दिन में किसी भी समय इस मंत्र को अपने मन में पढ़ लेना। दोस्तों, कोई भी इंसान, कोई भी दुनिया की ताकत आपको करोड़पति बनने से रोक नहीं सकता। जी दोस्तों मैं आप सभी को बता दें कि आपके राशि के जितने भी जातक होते हैं दोस्तों, भाग्य से बहुत ही उज्ज्वल होते हैं। आपका भाग्य आपका बहुत ही ज़्यादा साथ देता है। लेकिन दोस्तों, कभी कभार ऐसा होता है जब अपने रास्ते से आप भटक जाते हैं। कुछ गलत संगत, कुछ गलत आदत की वजह से आप अपने जीवन काल में अपनी तरक्की को रोक देते हैं। जी दोस्तों, और इसी कारण कभी कभार आपको दुखों का भी सामना करना होता है, परेशानियों से भी आपको उलझना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, आपका जन्म सिद्ध अधिकार यही है कि आप करोड़पति बनकर ही रहते हैं। जी दोस्तों, तो दोस्तों अब हो जाइए तैयार। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके जीवन काल की बहुत ही सटीक जानकारी देने वाले हैं, जिन्हें कर आपने जीवन काल में करोड़ों के मालिक बन सकते हैं। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी किसी जातक के भाग्य चमकता है तो दोस्तों उनके जीवन काल में विभिन्न प्रकार के प्रश्न खड़े हो जाते हैं। जय दोस्तों, और जो व्यक्ति समझदारी तरीके से सही प्रश्न का चुनाव करता है उनके जीवन काल में करोड़पति बनने से उन्हें कोई भी इंसान रोक नहीं सकता। जय दोस्तों, इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको आपके जीवन की कुछ ऐसी सटीक भविष्यवाणी करने वाले हैं, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं जो कि दोस्तों आपके जीवन काल के लिए सबसे बड़ा ज्ञान होगा, जिन्हें अगर आप सुन लेंगे तो दोस्तों आपके जीवन काल में करोड़ों के मालिक बनने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता। दोस्तों, हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि जो भी जातक आज की वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेगा उन्हें करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकता। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो में कुछ जानकारी ही ऐसी है, कुछ ज्ञान ही ऐसी है, कुछ उपाय ही ऐसे हैं, कुछ मंत्र ही ऐसे हैं और कुछ आपके जीवन काल के समाधान ही ऐसे हैं जो कि दोस्तों आपके जातकों के लिए ही बनाया गया है खासकर। जी दोस्तों, अगर आप इन्हें कर लेंगे तो दोस्तों आपके ऊपर यह बिल्कुल ही सटीक बैठेगी और आपको अपने जीवन काल में सबसे ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। तो दोस्तों, ये मूल मंत्र हम आपको आज के इस वीडियो में देने वाले हैं और जीवन काल में आपको कौन सी बातों का अब ध्यान रखना है, कौन सी गलती नहीं करनी है और कौन कौन से कार्य अब आपको करना है, दोस्तों सभी बातें आज के वीडियो में बताने वाले हैं। और कौन से मंत्र भी आपको अब अपने जीवन काल में पढ़ने हैं जिसे दोस्तों आपके जीवन काल में करोड़पति बनना आपको निश्चित कर देगा। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले दोस्तों जो भी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन काल पर बरसेगी, आर्थिक तंगियां दूर होंगी। तो आइए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। हम आप सभी को बता दें कि आज के इस दौर को तो आप देख ही रहे होंगे, किस प्रकार लोग पेशे के लिए यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ का दौड़ भाग करते रहते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति का अलग अलग पेशे कमाने का यशमय जरिया बन चुका है, क्योंकि दोस्तों पेशा सभी के लिए बहुत ही बड़ा यशमय कीर्तिमान बन चुका है। जी दोस्तों, और पेशे से ही हर लोगों की हर जरूरत भी पूरी होती है। जी दोस्तों हर इंसान चाहता है कि हमारे जीवन काल में हमें पेशा मिले, उतना नहीं जितना हमारे घर परिवार चल जाए, जिनसे हम अपने जीवन काल को अच्छी तरीके से संभाल सकें। पर्याप्त धन हमारे पास उतना अवश्य होना चाहिए। जी दोस्तों, लेकिन दोस्तों कुछ लोग गलत रास्ता जो अपनाते हैं और कुछ लोग सही रास्ता, जो लोग सही रास्ता अपनाते हैं दोस्तों, भले ही उसको वक्त लगता है लेकिन उसका पैसा टिकता है, और जो लोग गलत रास्ते से पैसे कमाते हैं दोस्तों, उसका पैसा आए दिन यहाँ तो वहाँ निकल ही जाता है। इसलिए दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो आप सभी की जीवन काल के लिए बहुत ही बड़ा मूल मंत्र, बहुत ही बड़ा रामबाण साबित होने वाली है। दोस्तों, आप इन्हें अंत तक देखिएगा, आपको जीवन के जीने का एक नया स्रोत मिलेगा। और जो जानकारी आपको इस वीडियो में हम देंगे दोस्तों, गारंटी है कि पूरे यूट्यूब पर ऐसी जानकारी आपको कभी नहीं मिलेगा। जी दोस्तों, तो दोस्तों सारी बातें आप ध्यान से सुनिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान से, बहुत ही महत्वपूर्ण विचार से, जो कि दोस्तों आप सभी के जीवन काल में आपको याद रखने चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हमारे जीवन काल में बहुत सी प्रकार की घटनाएं होती रहती है। कभी कभार हमारे जीवन काल में जो घटनाएं होती है हमें पता भी नहीं चलता है कि इस समस्या का क्या समाधान है। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि बहुत सारी समस्याओं का एक ही समाधान होता है,
जो कि हम समझ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों यही बातें हैं जो कि आपके जीवन काल में बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको देगा। तो दोस्तों इस बातों को आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान से और मन लगाकर सुने कि दोस्तों एक निर्धन व्यक्ति था, वह सरसों के तेल का दीपक जलाकर नित्य गली में रख देता था। चूँकि गली अंधेरी थी इसलिए वहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को बहुत ही लाभ मिलता था। निकट रहने वाला एक धनवान व्यक्ति प्रतिदिन भगवान के मंदिर में एक ही घी का दीपक जलाया करता था। मृत्यु होने पर जब दोनों यमलोक पहुँचे तो दोस्तों धनपति को निम्न श्रेणी और निर्धन को उच्च श्रेणी की सुविधा प्रदान की गई। जी हाँ दोस्तों, धनपति को यमराज का यह न्याय ठीक नहीं लगा और उन्होंने यमराज से इस संदर्भ में प्रश्न किया। तो यमराज बोले, पुण्य की महत्ता धन से नहीं, कार्य की उपयोगिता सन्निहित भावना के आधार पर होती है। मंदिर तो पहले से ही प्रकाशित था, उस व्यक्ति ने ऐसे स्थान पर प्रकाश फैलाया जिससे हजारों जरूरतमंदों तक प्रकाश पहुंचा और इसी वजह से वह ज्यादा पुण्य का अधिकारी बना। जी दोस्तों, तो दोस्तों आप भी अपने जीवन काल में इन बातों का ध्यान रखें कि दोस्तों बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको इस बातों से मिलती है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको यह बातें अच्छी लगी हो या बातों को आप समझ पाए हैं तो दोस्तों एक लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आए दोस्तों सके साथ बात करते हैं कि आपको करोड़पति बनने के लिए या फिर अपने जीवन काल में पर्याप्त धन अर्जित करने के लिए कौन कौन से कार्य करने चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आप सभी के जीवन काल की कुछ महत्वपूर्ण पहलू की बात करें तो दोस्तों आप सभी का जीवन काल अभी फिलहाल कुछ सालों से बहुत ही संकट भरा चल रहा है। जितना अपने धन कमाए थे दोस्तों वह भी अश्मिक खर्च होता जा रहा है और धन आने की संभावना आप सभी के जीवन काल में बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आप यश में मायूस बिल्कुल ना होए क्योंकि दोस्तों जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला अवश्य होता है। ये दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अब से आप सभी की कुंडली में महालक्ष्मी योग और धन योग का निर्माण हो चुका है जिनसे कि दोस्तों आप सभी के जीवन काल में धन से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। जी दोस्तों, लेकिन दोस्तों उनके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है और जो वीडियो में हम बताने वाले हैं उन कार्यों को करना है। तो दोस्तों पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि पिछले कुछ समय से आपके जीवन काल में बहुत सारी समस्याओं का आपको सामना तो करना पड़ा लेकिन दोस्तों उनमें से कुछ ऐसे भी घटनाएं आप सभी के जीवन काल में हुई है जो कि आपको वह पूरी तरह झकझोर के रख दिया है। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि पिछले कई वर्षों से आप लगातार मेहनत करते आ रहे हैं लेकिन दोस्तों उनका फल अभी तक आपको अच्छी तरह से नहीं मिल पाया है। लेकिन दोस्तों इनके साथ आपकी भी कुछ गलतियां होती है जो कि आपको अपने कार्यभार को अच्छी तरीके से करने नहीं देती है, आपको अपने जीवन काल में आगे बढ़ने नहीं देती है। तो दोस्तों आपको भी अपने जीवन काल पर अपने गलतियों को सुधारना है, अपने गलतियों को मानना है। तो दोस्तों आप अपने जीवन काल को बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल पाएंगे और बहुत ही अच्छी दिशा में लेकर जा भी पाएंगे। जो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हैं अगर आपको उनमें सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही है तो दोस्तों सबसे पहले आपको हार्डवर्क के साथ कार्यों के तह तक जाना चाहिए कि दोस्तों आखिर आपका कार्य हो क्यों नहीं रहा है, आखिर इसके पीछे कौन सी कारण है जिसकी वजह से आपका कार्य बनते बनते बिगड़ रहा है, आखिर कोई व्यक्ति तो आपके कार्य के पीछे नहीं है जो कि आपके कार्य होने नहीं दे रहा है। इस प्रकार की दोस्तों आपको अपने मन में सवाल उत्पन्न करना है। जो दोस्तों और आप देखेंगे कि आपके अंदर आपके सामने आपके मन में एक अच्छा सा उत्तर आपको प्राप्त होगा। जी दोस्तों, जैसे ही दोस्तों आप इस प्रकार के प्रश्न अपने कार्यों में करेंगे तो दोस्तों आपको जरूर ही समाधान प्राप्त होगा। और दोस्तों यकीन मानिए इन बातों को अगर आप अपने जीवन काल में याद रखेंगे तो दोस्तों आपका कोई भी कार्य कभी गड़बड़ भी नहीं होगा। जी दोस्तों, और दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि दोस्तों जो भी व्यक्ति अपने जीवन काल में इन उपायों को करता है, इन बातों का ध्यान रखता है दोस्तों उनके जीवन काल में कभी भी गरीबी आता ही नहीं। जी दोस्तों, हमेशा ईश्वर उनके साथ रहते हैं, ईश्वर उनकी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए उनके हाथों में हाथ रखते हैं। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि सबसे पहला जो कार्य है आपको अपने जीवन काल में दैनिक दिनचर्या में करना है क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसा कार्य करते हैं और उन्हें अच्छा परिणाम भी मिला है। तो दोस्तों आप भी अपने जीवन काल में आज से ही इन कार्यों को करें। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा हो
तो दोस्तों प्रतिदिन सुबह शाम घी का दीपक आप उस पर जरूर जलाएं। जो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, अगर नहीं भी हो तो दोस्तों इन्हें घर में लगाएं और घी का दीपक जलाएं। और दोस्तों साथ ही शुक्रवार और शनिवार के दिन लक्ष्मी नारायण मंदिर में जा सफेद रंग की आप कोई भी मिठाई चढ़ा सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों तीसरा चीज है, पीली कौड़ी को देवी माता का प्रतीक माना जाता है। कुछ सफेद कौड़ियों को केसर या फिर हल्दी के घोल में भिगोकर उसे लाल कपड़े में बांधकर घर में स्थित तिजोरी है या फिर घर में वह जगह जहां पर आप पैसे कभी कभी रखते थे या फिर रखते हैं वहां पर रख दें। नारियल विधि विधान से पूजा कर उसे चमकीले लाल कपड़े में लपेटकर वहां पर रख दें। जी दोस्तों चौथा चीज है, शंख समुद्र मंथन के समय प्राप्त हुआ अनमोल रत्नों में से एक है। जी दोस्तों लक्ष्मी के साथ उत्पन्न होने के कारण इसे लक्ष्मी भ्राता भी कहा जाता है। यही कारण है कि जिस घर में शंख होता है वहाँ समृद्धि और वृद्धि अवश्य होता है, माँ लक्ष्मी का वास वहाँ पर जरूर होता है। तो दोस्तों घर में आप एक ना एक शंख अवश्य रखें। इसके उपरांत दोस्तों आपको प्रति शनिवार को पीपल को भी जल चढ़ाना चाहिए और उसकी पूजा भी करनी चाहिए। इससे भी दोस्तों धन समृद्धि में बढ़ोतरी होती है और घर की जो आर्थिक तंगियां होती है वह इनसे खत्म होती है। तो दोस्तों आपको अपने जीवनकाल में इन बातों का ध्यान रखना है। इसके उपरांत दोस्तों घर में ईशान कोण में हमेशा खाली रखें, हो सके तो वहां पर दोस्तों जल भरा एक पात्र रखें, चाहे वहां जल कलश भी आप रख सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों आपको बांस निर्मित बांसुरी, भगवान श्री कृष्ण को अप्रिय है अति प्रिय इस बांसुरी जिस घर में रखी जाती है वहाँ के लोगों में परस्पर प्रेम तो बना ही रहता है, साथ ही साथ सुख समृद्धि भी बनी रहती है। तो आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि आप कौन से मंत्र का आपको जाप करना चाहिए ताकि दोस्तों जो भी आपके जीवनकाल में परेशानियां पिछले कई वर्षों से घर बनाकर बैठा है दोस्तों यह परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाए। जी दोस्तों तो दोस्तों इनके लिए आपको इस मंत्र का जाप करना है। जी दोस्तों यह मंत्र सिद्ध साबर मंत्र है जो कि हनुमान जी द्वारा सिद्ध है। दोस्तों यह मंत्र आपके जीवनकाल की सारी परेशानियां, सारी दुख को जड़ से ही खत्म कर देंगे। तो दोस्तों इस मंत्र को आप ध्यान से जरूर सुनिएगा। जो दोस्तों मंत्र है, ओम हनुमान पहलवान वर्ष बारह का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, आओ आओ बाबा हनुमान, नो आओ तो दुहाई महादेव, गौरा पार्वती की शब्द सांचा, पिंड कांचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। मंत्र को दोबारा से सुनिएगा। मंत्र है, ओम हनुमान पहलवान वर्ष बारह का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, आओ आओ बाबा हनुमान, नो आओ तो दुहाई महादेव, गौरा पार्वती की शब्द सांचा, पिंड कांचा फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। दोस्तों इस मंत्र का अनुष्ठान मंगलवार या फिर शनिवार से आरंभ करें। हनुमान जी को सिंदूर का चोला, जनेऊ खड़ाऊ लंगोट दो लड्डू और ध्वजा चढ़ावें। इसके बाद प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखें, लाल वस्त्र धारण करें तथा लाल चंदन की माला से जपादि कर्म करें। शनिवार को चने तथा गुड़ का वितरण करें। इस मंत्र की 10 मलाएं प्रतिदिन जपें। यह कर्म 3 महीने तक करें, सदा पवित्र रहें। हनुमान जी दर्शन देंगे, उस समय जो चाहे वे सभी मांग लेना, जीवन काल के सारी दुख खत्म कर देंगे, संकट समस्याओं से संकट मोचन आपको दूर रखेंगे। जी दोस्तों और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय हनुमान जरूर लिखिएगा और शायद दोस्तों और इसी जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।